कुवैत में 3 महीने के अंदर 12,000 एक्सपोर्ट को किया गया है, 12,000 लोगों को एक्सपोर्ट किया गया। डिपोर्ट रेजिडेंसी सहित लेबर लॉ का किया था उल्लंघन। तो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, बताऊंगा कि पिछले 3 महीने में 12,000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों मतलब शामिल हैं, वोमेन और मैन दोनों शामिल हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बताते चलते हैं आप लोगों को। मान्यता प्राप्त डिप्रेशन डिपार्टमेंट ने 12,000 महिला और पुरुष को डिपोर्ट किया। कुवैत में जनरल डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन फैसिलिटीज से मान्यता प्राप्त डिप्रेशन डिपार्टमेंट ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में 12,000 महिला और पुरुषों को डिपोर्ट किया है। दरअसल कुवैत में समय समय पर अधिकारियों के द्वारा रेजिडेंस और लेबर लॉ नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बताते चलें कि अक्टूबर के महीने में अकेले 4,300 महिला और पुरुषों को डिपोर्ट किया गया है। इनमें से कुछ आरोपियों पर रेजिडेंस और लेबर लॉ के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। कुछ प्रवासी ऐसे भी काम में लिप्त पाए गए जो सामाजिक नैतिकता के खिलाफ था। अपने नियोक्ता को छोड़कर भागे आरोपियों को भी किया गया है गिरफ्तार और किए जा रहे हैं डिपोर्ट। अधिकारियों ने अभी बताया है कि सामाजिक के साथ साथ कुछ ऐसे प्रवासी भी पकड़े गए हैं जो अपने नियोक्ता को छोड़कर भाग गए थे। अंतरिम मंत्रालय के सभी सेक्टर के द्वारा सुरक्षा अभियान चलाया जा रहे हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो भाई, जो लोग भाग के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो जो वो लोग भाग के काम कर रहे हैं वो सावधान हो जाए और अपना एक अमल लगा ले। अधिकारियों ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है और उसे रिपोर्ट किया जाता है तो उसे देश में वापस लौटने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी। तो अगर जो भाई अगर जो आप लोग ऐसे करते पकड़ा गए हैं, मतलब भाग के काम कर गए, अगर जो आप लोग पकड़ा जाते हैं तो फिर आप लोग दोबारा कुवैत में नहीं आ पाएंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग सोच लो कि आप लोगों को दोबारा आना है कि नहीं आना है, आप लोग उस हिसाब से डिपेंड करिए, अब उस हिसाब से अपना वो करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।